हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज यार तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, मतलब कि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हो गया, खांसी वगैरह रात को इतनी हो गई उनको कि पूरी रात सो नहीं पाए, उनकी वजह से हम सो नहीं पाए। मैंने एक ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हो तो पहले के 6-7 दिन और जाने वाले 6-7 दिन बड़े भयंकर रहते हैं। रीज़न क्या है, पहले जब हम आए थे 6-7 दिन तब भी तबीयत ख़राब रही, पेट वगैरह ख़राब हो गया, ख़ास तौर के ऊपर इसी महीने में। अब हमारी जाने की बारी आ गई है, तब उससे एक हफ़्ता पहले सर्दी वगैरह लग रही है। मतलब यार मौसम इतना चेंज हो रहा है ना इंडिया में, मैं बता नहीं सकता हूँ, खांसी नहीं रुक पा रही, प्रिकॉशंस बहुत करने पड़ते हैं। तो जो अगर आप आना चाहते हो तो ये महीने में अगर आ रहे हो तो ये चीज़ें याद रखना। आज हम बात करने वाले हैं कि एडिलेड में जो जॉब्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर डिलीवरी जॉब्स, जो क्वेश्चन आया है वो कैसी हैं, कितना हमारे को पैसा बन जाएगा। फर्स्टली आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा डिलीवरी की, चाहे वो ऊबर की हो या टैक्सी की हो, उसका क्या काम है। देखो अगर तो आप कंपैरिजन करोगे मेट्रो सिटी के साथ, जैसे कि मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, उसके साथ कंपैरिजन करोगे, उसके मुकाबले में एडिलेड बहुत छोटा है। छोटा इन द सेंस, ऑब्वियसली बात है, सिडनी मेलबर्न को मेट्रो सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी हुई है, लेकिन एडिलेड जो है वो डेवलपिंग मोड में है। एंड वहाँ पर ऊबर ईट्स की डिलीवरीज हो गई या कुछ भी हो गया, वो थोड़ी सी कम रहती है सिडनी और मेलबर्न के मुकाबले, वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपने पीआर लेनी है तो लोग सिडनी मेलबर्न को छोड़ के एडिलेड भी आ रहे हैं, रीजनल मूव हो रहे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहती हैं कि आपका मेन मोटिव क्या है। अगर तो आप पीआर हो चुके हो, अब रहने को तो लोग एडिलेड में भी तो रहते ही हैं, मैं भी तो एडिलेड में रहता ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम बन जाएगा पैसे। जैसे मेलबर्न में आप एक हफ्ते का 1200-1500 बना लेते हो ऊबर ईट्स करने के बाद, घंटे नहीं मैं गिर रहा हूँ, 8-10 घंटे करने के बाद। लेकिन सिडनी में आप 800 से लेकर 1000 तक बना लोगे, फ़र्क सिर्फ $200-$300 का पड़ सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो। उसी तरह टैक्सी का एक हफ्ते का लोग काफ़ी पैसे बना लेते हैं, कई बार तो एडिलेड में एक दिन में ही $600-700 बना लेते हैं, और हफ्ते का 200-2200 के बीच में बना लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका क्या से चल रहा है। मेरा एक रिलेटिव था, वो दूर रहता था एडिलेड से, काफ़ी दूर, वाइला सिटी, सर्च करना वाइला सिटी। वो वहाँ पर टैक्सी चलाता है, लेकिन वहाँ पर टैक्सीज बहुत कम रहते हैं, जितने बंदे कम हैं टैक्सी वाले भी कम होते हैं। वो कहता है कि मेरा एडिलेड से ज़्यादा पैसे मिल रहा है यहाँ पर। ये डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे चला रहे हो, कितने घंटे चला रहे हो, कहाँ पर चला रहे हो, कौन सी सिटी में चला रहे हो। मेट्रो को कंपेयर नहीं किया जा सकता रीजनल के साथ, ऐसा भी नहीं है कि एडिलेड में फैसिलिटीज़ कम है, वहाँ पर पैसे नहीं बन पा रहे, ऐसा नहीं है, पैसे बनते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करोगे तो फिर फ़र्क पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि अगर मैंने पीआर डालनी है तो मुझे कहाँ पर मिलेगी पीआर। पॉइंट्स को पूरा करने के लिए आपको रीजनल एरिया में रहना पड़ता है, और अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपकी पीआर नहीं डलेगी। आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, वो ये भी होना चाहिए कि मेरे को साथ में पीआर भी मिल जाए। तो मेरे पास कई ऐसे रिलेटिव्स हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ ऊबर ईट्स करते हैं, ख़ास तौर के ऊबर ईट वो करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या डिपेंडेंट आते हैं, या जिनको ज़्यादा काम करना नहीं आता, या जिनको चाहिए कि यार मैं तो भाई काम नहीं करूँगा किसी के अंडर, मैं तो अपना काम करूँगा। अब ये कितने हद तक ऊबर ईट सही रहेगी, देखो जब कोरोना काल आ गया था ऊबर ईट बंद हो गई थी, कई बार ऐसा भी हो सकता है हर एक दिन एक जैसे ना हो तो आपका ऊबर ईट में पैसा ज़्यादा ना बने। मैं इसको ये कहूँगा कि अगर आप ऊबर करते हो या टैक्सी करते हो तो इसको फुल टाइम लेके मत चलो। रीज़न क्या है कि आप एक बड़ा बिजनेस के बारे में सोचिए, शुरू शुरू में पैसे बहुत बनेंगे, आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा यार इतनी अच्छी जॉब है, कंफर्ट जोन पूरा है, अपना काम है, जब चाहे मर्जी बंद करो, जब चाहे मर्जी चला लो। लेकिन ये भी देखिए, ज़्यादातर जो काम होता है ना वीकेंड के ऊपर ज़्यादा काम होता है, या कोई फेस्टिवल वगैरह हो तब,
ये भी जॉब जो है थोड़ी सी रिस्की भी मानी जाती है, क्योंकि ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग की कोई भी जॉब हो वो रिस्की मानी जाती है। तो अब आप ये देखिए, इसके भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी लेना पड़ेगा, गाड़ी लेने के पहले आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये रामबाण है, या जिनके पास जॉब नहीं होती है उनके लिए ये रामबाण क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टैक्सी और ऊबर, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने करना है या नहीं करना है, या इसको साइड बिजनेस रखना है या नहीं। बट मैं ये कहूँगा कि ऊबर ईट बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेट भरती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं सभी का पेट भरती है तकरीबन, क्योंकि अगर कोई काम मिले ना मिले लोग ऊबर करना चालू कर देते हैं। मैं भी लोगों को यही सलाह देता हूँ, जितनी देर तक आपको काम नहीं मिलता है और यहाँ पर आप आते हो, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो कि आप अपना ऊबर ईट का अकाउंट बनाओ और उससे आपको बेनिफिट होगा। और जो पीयर लेके आ रहे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि भाई ऊबर जो टैक्सी होती है ऊबर एक्स, उसका भी अकाउंट बनाओ। जितनी देर तक आपके पास जॉब नहीं आती कम से कम ये तो शुरू करो, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। इसको परमानेंट बिजनेस मत बनाओ, आपको आदत पड़ जाएगी इसको करने की, ड्राइव करने की, लेकिन एक ना एक टाइम के ऊपर आप सोचोगे यार कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। काम दोनों ही अच्छा है, जहाँ पर मर्जी चले जाओ, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कब कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, हर एक दिन एक जैसे नहीं होते हैं। ट्राई करना इनको आप सिर्फ और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर रखना, परमानेंट मत बनाना। परमानेंट अगर आपके पास पैसे भी हैं, कोई और बिजनेस करो जो वहाँ पर चल रहा हो, रनिंग बिजनेस ले सकते हो। अपना खुद का बिजनेस ओपन करोगे उसको टाइम लगेगा चलने में, लेकिन अगर आप रनिंग बिजनेस लेते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ और पूछना चाहते हो पूछ लो, इंस्टाग्राम की आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे और भी बंदे हैं जो हम कम्युनिटी बना के रखी हुई है, मैंने उसका क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। बाय।